सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। सितंबर के महीने में जून की गर्मी ने शहरियों के सरों को चकरा दिया है। सूरज की तपिश और हवस ने शहरियों को ठंडी छाँव के नीचे पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। तीन चार दिन से लगातार गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना दुभर हो चुका है। अंदर भी सुकून नहीं है, बाहर भी सुकून नहीं है, बाहर भी गर्मी पसीने से हालत हो रही है। गर्मी दूर करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। शहरी लस्सी, लीमू पानी और गन्ने के शरबत का इस्तेमाल करके गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रस्ते में रुके शरबत पिए, थोड़ी जो है गर्मी दूर हो रही, ठंडक महसूस होती है, तो इसलिए मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। दो तीन दिन से है गर्मी ज्यादा है, अभी आ रहे थे, महसूस हुआ कि भाई कुछ पीना चाहिए, नींबू पानी देखा तो दिल ने बोला पिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रहेगी, जिसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और गर्मी का जोर भी टूट जाएगा। कैमरामैन नईम शाह के साथ शाहजेब शेख, 92 न्यूज़ हैदराबाद।